अगर मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप एक सेल्स प्रोफेशनल है और आप एक सेल्स में एक करियर बनाना चाहते हो, तो किसी भी आप कंपनी में जाते हो तो ये सेल्स के लिए हमेशा, सेल्स प्रोफेशनल के हमेशा एक कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। तो यही अगर आप प्रिपेयर करते करके जाते हो तो डेफिनेटली आपका 100% सिलेक्शन होने का देर आर मोर चांसेस, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बताने वाला हूँ कि सेल्स में ऐसे क्या इंटरव्यू के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बनी रही इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको अच्छी से अच्छी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे सकूं। तो सबसे एक नंबर का जो क्वेश्चन टू द पॉइंट आते हैं, सबसे एक नंबर का जो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है सेल्स प्रोफेशन में, वो फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाता है वाई सेल्स। आपको पूछा जाता है कि क्यों सेल, आपने सेल्स फील्ड आपने क्यों चूज किया। तो सबसे आपको इस तरह का आप इसका आंसर दे सकते हैं, इट्स अ हाई रिवार्डिंग पेइंग स्किल, ऑल्सो देर इज अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल इफ बाई एक्सप्लोरिंग दिस फील्ड दैट माई स्किल्स मैचिंग विथ अ गुड कम्युनिकेशन स्किल, गुड लिसनिंग स्किल, हार्डवर्क, कॉन्फिडेंट अबाउट माई वर्क। मतलब आप इस तरह से बता सकते हो, ऐसा कुछ वैलिड पॉइंट आपको बताने हैं जिससे इंटरव्यू को पता चल सके कि आपने सेल्स के लिए बहुत पैशनेट पर्सन है और सही में आप आपने चूज किया वो आपके लिए जो करियर चूज किया सबसे सबसे बढ़िया करियर है। तो जैसे मैं आपको बताऊँ कुछ पॉइंट्स कॉमन, जैसे कि आपको पता भी होगा कि सेल्स सबसे हाई रिवार्डिंग पेइंग स्किल है आज की डेट में, और देर इज़ अ अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल, मतलब किसी भी लिमिटेशंस नहीं है। आप जितना आप जो भी अचीवमेंट्स, जो टारगेट दे, अगर गोल अचीव करते हो तो डेफिनेटली आपको बहुत सारा यहाँ से रिवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन भी मिलता है। तो जैसे आप कुछ स्किल्स भी आप उसको मैच कर सकते हैं, जैसे आपकी कुछ अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है, गुड नेगोशिएशन स्किल है, लिसनिंग स्किल अच्छी है, तो आप बता सकते हो। दूसरा आप इस तरह का बता सकते हो कि टेल देम रियल लाइफ एग्जाम्पल, ऐसा नहीं कि जो पास में आपने अगर एक्सपीरियंस है आपको तो आप पास का एक्सपीरियंस बता सकते हो, या अकेडमी के दौरान ऐसे आपने कहीं पर भी काम किया एज वॉलंटियर इंटर्नशिप तो बता सकते हो। दूसरा आप बता सकते हो आई एम पैशनेट अबाउट सेल्स, योर पास्ट रिकॉर्ड से बता सकते हो, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता सकते हो कि कहाँ कहाँ मैं मम्मी के साथ जाता हूँ या कहीं पे भी ऐसा हो तो किस तरह का आप बता सकते हो। इवन आप बता सकते हो आपकी पास्ट अचीवमेंट्स आप बता सकते हो लोगों को, कि आपने अगर टारगेट दिया होता 2 लाख का, आपने वो टारगेट अचीवमेंट किया, 90% आप अचीव करते ही करते थे, इस तरह का आप बता सकते हो। दूसरा बता सकते हो कि आपकी की स्किल क्या है, स्किल सेट क्या है आपके पास, ये आप बता सकते हो। दूसरा आप रिजेक्शन को कैसे हैंडल किया है लास्ट प्रीवियस में, कैसे उनका सेल्स की पूरी टीम अच्छी नहीं थी, मैंने वहाँ पे एज अ टीम रोल निभा के बहुत सारा जो उनकी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व करके वो आगे हम चले। तो इस तरह का आप एग्जांपल अगर बताते हो तो देर आर मोर चांसेस कि इंटरव्यू आपको ही सिलेक्शन करे। जिस तरह के आप इंटरेक्शन विद द नेम नेम पीपल से, नेटवर्किंग का अच्छा स्किल है आपको, जैसे पेशेंस है इसके अंदर आप, तो ये स्किल तो इम्पोर्टेंट होती ही होती है सेल्स के लिए। ये कॉमन क्वेश्चन है, इसका प्रिपरेशन आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इस तरह का प्रिपरेशन करके आप जा सकते हैं इंटरव्यू के दौरान। दूसरा क्वेश्चन कॉमन पूछा जाता है सेल्स के इंटरव्यू के दौरान, वो है व्हाट मोटिवेट्स यू टू सेल। आपको ऐसा क्या मोटिवेट करता है जिसे आप सेल्स करने के लिए हमेशा प्रिपेयर रहते हो। तो इसमें आपको किस तरह का एग्जांपल देना है मैं बताता हूँ आपको, शेयर अ स्पेसिफिक एग्जांपल। अपने पास्ट में रिकॉर्ड्स में ऐसा एक कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल बताना है जहाँ पे मतलब बहुत आप उन्होंने टारगेट दिया था और आपको अचीव हमेशा एक मंथ की स्टार्टिंग में आप टारगेट बना लेते हो और ऑलमोस्ट वो अचीव करते हो, इस तरह का आप बता सकते हो। जो भी टारगेट्स अचीवमेंट टारगेट्स के साथ आप काम करते हो ये भी आप बता सकते हो। जैसे आप बताओ कि मैं सेल्फ डिसिप्लिन हूँ, सेल्फ डायरेक्टर हूँ, मेरे खुद के भी कुछ अलग अलग गोल्स मैं अचीव करना चाहता हूँ। दूसरा व्यक्ति आज चैलेंज माई टारगेट, ऐसे लोग बताना है कि जैसे आप मतलब सेल्स के लिए ही बने हो, इस तरह का आपको कॉन्फिडेंस आपके अंदर दिखना चाहिए। जब आप कॉन्फिडेंस इसमें जाते हो इंटरव्यू के दौरान, फ्रंट ऑफ इंटरव्यू जो होता है, तो आपको बहुत कॉन्फिडेंट रहना है, आपको ऐसा लगना चाहिए कि यही दिस इज द राइट कैंडिडेट, वी आर गोइंग टू हायर, इस तरह की लगना चाहिए। दूसरा आई रियली इंजॉय द सेल्स, या शोकेस योर प्रोडक्ट्स अप अ कस्टमर, आपको अच्छा लगता है जब भी आप कस्टमर कन्विक्शन आता है जब हम किसी को बताते हैं कस्टमर को, तो इस तरह के कन्विक्शन के साथ मैं बताता हूँ ऐसा वो कह सकते हैं। दूसरा आई विल डू फोकस ऑन कंपनी ग्रोथ एंड कस्टमर हैप्पीनेस, आप नेक्स्ट क्या बता सकते हो कि मैं ज़्यादातर इस तरह से फोकस करता हूँ कि कंपनी की कैसी ग्रोथ हो सके और कस्टमर को सेटिस्फाइड मिले, ये आपको बताना है ताकि इंटरव्यू आप पे इम्प्रेस हो और आपको बाकी कैंडिडेट से सिलेक्शन करने का बहुत चांसेस है। दूसरा है व्हाट इज सेल्स, ये कॉमन क्वेश्चंस पूछा जाता है सेल्स के इंटरव्यू के दौरान कि, लेकिन बहुत बार जो सेल्स प्रोफेशनल होते हैं या प्रेशर जो सेल्स में होता है कैंडिडेट, उनको पता नहीं होता सेल्स और मार्केटिंग में डिफरेंस क्या है। लेकिन मैं बताऊँ सेल्स एक अलग फील्ड है, मार्केटिंग एक अलग फील्ड है। सेल्स क्या होता है कि सेलिंग ऑफ अ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, इन शॉर्ट आपको डेफिनेशन बताएंगे, बहुत लंबा लंबा आंसर नहीं देना है, टू द पॉइंट बताना है। जैसे आप बता सकते हैं कि टू ऑल्सो फुलफिलिंग द नीड्स प्रॉब्लम्स ऑफ अ कस्टमर, और सेल्स इज अ कंसेप्ट वेयर द कन्विंस टू बाय समथिंग, इस तरह का बता सकते हो कि जैसे सेल्स इज अ ट्रांजेक्शन समथिंग इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ये आप मतलब बाय हेड भी कर सकते हैं इस आंसर्स को, बहुत अच्छा आंसर्स है यह। नेक्स्ट मैं आपको क्वेश्चन में बताता हूँ
चार नंबर का क्वेश्चन वो है इंटरव्यू के दौरान कॉमन पूछा जाता है, हाउ विल यू हैंडल द सेल्स प्रेशर। आप सेल्स प्रेशर को कैसे हैंडल करते हो, क्योंकि सेल्स में जब एज ए डिपार्टमेंट में काम करते हो तो प्रेशर हमेशा ही रहता है, क्योंकि सेल्स की टीम ही मतलब वो जितना भी बिजनेस लाती है कंपनी के अंदर सेल्स की ही टीम लाती है, और सबसे हाई रिवॉर्डिंग उनको ही रिकॉग्नाइजेशन मिलता है, आपको पता होगा। तो इस फील्ड में प्रेशर रहेगा, तो कैसे आप प्रेशर हैंडल करोगे या पास में कैसे आपने प्रेशर हैंडल किया, तो जैसे जैसे बता सकते हो कि माय पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग हेल्प मी द हैंडल प्रेशर्स, जैसे बता सकते हैं आई डोंट गिव अप, आई नेवर गिव अप एटीट्यूड मेरे अंदर है, रिजेक्शन इज द पार्ट ऑफ सेल, मुझे पता है कि बहुत बार ऐसा होता है लेकिन मैं उसको अच्छे से हैंडल करके स्ट्रेस को मैनेज करता हूँ। जैसे ऑब्जेक्शन अगर आता है तो आप बता सकते हैं कि ऑब्जेक्शन नॉट अ रिजेक्शन, इट्स आस्किंग अ मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कस्टमर, कस्टमर मेरे से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहता है, या मेरे अंदर क्या क्या मिस्टेक्स हो रहे हैं मैं उसको इम्प्रूव करता हूँ। जैसे आप बता सकते हो कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर सेंट्रिक रहता हूँ, कस्टमर पे ज़्यादा फोकस करता हूँ ना कि मेरे ऊपर। बहुत सारे सेल्स प्रोफेशनल ज़्यादा हम बोलते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँगा सेल्स के फील्ड में आपको ज़्यादा बोलना नहीं होता, कि सेल्स के फील्ड में ज़्यादा सुनना होता है, लेकिन बहुत सेल्स प्रोफेशनल उसको गलत समझ लेते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, एक लिसनिंग स्किल आपके अंदर होनी चाहिए एक एज अ सेल्स प्रोफेशनल के दौरान। नेक्स्ट में ये जो कॉमन है ना, हर इंटरव्यू में कॉमन क्वेश्चन है सेल्स में, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो, रिटेल बिजनेस है, दीज आर द कॉमन क्वेश्चन आस्क्ड इन एवरी सेल्स इंटरव्यू क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपको तो ये जो कॉमन क्वेश्चन है जो हर एक इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, आप फ्रेशर हो, आप ग्रेजुएट हो, इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, आप फार्मा स्टूडेंट हो या मेडिकल स्टूडेंट हो या गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करने जाते हो, ये आपको इंटरव्यू कॉमन क्वेश्चन है जो आपको पूछे ही जाते हैं, तो इसका तो प्रिपरेशन आपको करना ही करना है। तो पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाता है टेल मी अबाउट यूर सेल्फ, आपको बहुत अच्छी तरह से इसका आंसर प्रिपेयर करके जाना है, मिरर के सामने आपको प्रैक्टिस करके जानी है, कि जैसे आप बता सकते हो आपका नाम के साथ स्टार्ट कर सकते हो, आप कहाँ से हो, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड बता सकते हो, आप फैमिली का बैकग्राउंड इसमें बताना चाहिए आपको, और पास अचीवमेंट भी बताए तो बहुत अच्छा हो जाता है, और करंटली आप क्या कर रहे हैं, आपको किस फील्ड में अच्छी खासी नॉलेज, ये भी बता सकते हो। दूसरा है कि व्हाट आर द पास्ट प्रोफेशनल अचीवमेंट्स यानी एकेडमिक अचीवमेंट, ये भी कॉमन क्वेश्चन है, अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आपको पूछा जाएगा कि पास्ट प्रोफेशनल अचीवमेंट आपकी क्या क्या रही है, इसके बाद में क्या आपको अवार्ड मिला है, बेस्ट एम्प्लॉई अवार्ड या ऐसा कुछ अलग किया है अपनी इंडस्ट्री के दौरान, जो आपकी फील्ड के दौरान। दूसरा है एकेडमिक अचीवमेंट्स क्या क्या रही है आपकी, लास्ट जब आप स्कूल या कॉलेज में थे कुछ स्पेशल ऐसे रिवॉर्ड रिकॉग्निशन आपको रैंक होल्डर ऐसे मिला है, कुछ सर्टिफिकेशन वो आप बता सकते हो। दूसरा है व्हाट इज योर लास्ट जॉब प्रोफाइल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी कॉमन क्वेश्चन है, हमेशा इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट इज योर जॉब प्रोफाइल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आप जहाँ पे काम करते थे आपकी जॉब प्रोफाइल क्या थी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या थी, ये अच्छी तरह से आपको प्रिपेयर करके जानी है, क्योंकि यहाँ पे आप स्टम्बल हो गए, आप स्टक हो गए तो आपको बहुत उतना कॉन्फिडेंट इंटरव्यू को नहीं लगोगे और आपका सिलेक्शन होने का बहुत चांस कम है वहाँ पे, तो इसको आप बार बार प्रैक्टिस करके जाना है। और दूसरा है ये कॉमन क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है कि व्हाई वांट टू स्विच दिस जॉब, आपको इस जॉब क्यों आप स्विच करना चाहते हैं, ये भी आपको पूछा जाता है, कॉमन क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को आपका 100% आपको आंसर दिया कि मैं डेफिनेटली गारंटी देता हूँ मेरा एक्सपीरियंस है यहाँ पे, तो आपका सिलेक्शन होने का बहुत चांसेस है, तो इसका प्रिपरेशन आप बता सकते हैं कि जैसे कि मैं बताता हूँ फॉर द बेटर ग्रोथ, या ऐसे बता सकते हो कि मैं बेटर अप्रोच ढूंढ रहा हूँ, या मेरे को लर्निंग चाहिए जो यहाँ पे नहीं मिल रही है, और मेरे करियर को मैं नेक्स्ट लेवल के लेके जाना चाहता हूँ, जो मेरे ड्रीम्स है मैं अचीव करना चाहता हूँ, एक कंपनी में नहीं है तो आपके कंपनी में वो मेरे को दिखा, इसलिए मैं एक कंपनी आप अभी मैं स्विच कर रहा हूँ, इस तरह का अगर आंसर देते हो तो डेफिनेटली आपका इंटरव्यूअर जो सामने वाला है आप इसे डेफिनेटली इंप्रेस होगा और डेफिनेटली आपका सिलेक्शन करेगा। दूसरा कॉमन क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है किसी भी इंटरव्यू के दौरान, वो है व्हाट इज योर करंट सिटी से, आपकी सैलरी कहती थी लास्ट ड्रॉन सैलरी, आपको अच्छी सी सैलरी से अपनी पढ़ के जानी है, क्योंकि मैं भी मिस्टेक करता था, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा ये होने के बाद नेक्स्ट आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज योर एक्सपीरियंस सिटी, आपको कितना एक्सपर्ट है हमेशा, तो हमेशा ये रेंज में बताए, ऐसा पर्टिकुलर नंबर कभी ना बताए, जैसे कि अगर आपको चाहिए आपका सिटी से 2.8 था तो आपको बता सकते हैं रेंज कि मेरे को कितना परसेंट हाइक चाहिए, जैसे कि 3.4 या 3 या 3.4 के इन बिटवीन बता सकते हो, तो ये निगोशिएट होती है सैलरी, तो हमेशा रेंज में बताया हुआ जाता है, उनको भी मतलब रूम ऑफ निगोशिएशन का आपको भी मिल जाता है, क्योंकि हमेशा अगर फिक्स नंबर बताए तो क्या होता है वो उसको हमेशा रिड्यूस करने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। तो दूसरा और कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है डू हैव एनी अदर क्वेश्चंस फॉर मी, ये भी कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार इंटरव्यू के दौरान जो फ्रेशर जो होते हैं या एक्सपीरियंस भी होते हैं वो ये जो क्वेश्चन पूछते हैं कि डू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी, ये इंटरव्यू हमेशा पूछता है, लेकिन आप क्या करते हो उसको आंसर नो बोलते हो, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, मेरा एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ, आपको क्वेश्चन पूछने हैं, कैसे पूछने क्वेश्चन पूछने हैं, सर अगर ये मेरा इंटरव्यू होता है तो मेरे को कितने दिन में इसका फीडबैक मिलेगा, ये क्वेश्चन हो गया। जैसे बोल दूसरा एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर आपकी कंपनी क्या क्या करती है और क्या बनाती है वगैरह। दूसरा होता है कि आप पूछ सकते हैं सर मैं अगर इस जॉब में सिलेक्शन हुआ तो मेरे को ट्रेनिंग मिलेगा कि नहीं मिलेगा,
तो जिससे क्या होता है कि इंटरव्यू को लगता है कि यस डेफिनेटली ये जो मैं कैंडिडेट हायर कर रहा हूँ डेफिनेटली मेरे कंपनी के लिए ग्रोथ लाना चाहेगा, इसलिए ये इतने क्वेश्चंस पूछ रहा है, सही में कुछ क्यूरियोसिटी जनरेटर है, इस तरह का अगर बताते हो तो डेफिनेटली आपको सिलेक्शन होने के बहुत चांसेस है। मैं बताता हूँ, दीज आर द कॉमन क्वेश्चंस एवरी इंटरव्यूअर में आपको पूछे ही पूछे जाते हैं। अगर इन बिटवीन इसके सभी के आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बार बार उसको रिपीट एक बार दो बार उस वीडियो को देख सकते हो, अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता तो मुझे सोशल मीडिया, मेरे सोशल मीडिया हैंडल पे कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, और कमेंट में भी पूछ जाए तो मैं उसका आंसर डेफिनेटली बता दूंगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप जब भी इंटरव्यू जाए आप कॉन्फिडेंट होके जाए, एनर्जेटिक होके जाए, यही मैं आपको बताने वाला होता हूँ। जैसे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि आने वाले ऐसे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।